अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। टुडे टॉपिक इज हीट। यू कैन लिसन द वर्ड ऑफ हीट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हीट। इसकी उर्दू मीनिंग है हरारत या गर्माहट। फायर गिव अस हीट, यू कैन लुक एट द पिक्चर एंड सी योर फायर गिव अस हीट। आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें दूसरी पिक्चर है हमारे पास, क्या है, एक फैमिली है और वो क्या कर रही है, हीट अप कर रही है, अपने आप को वार्म कर रही है, गर्म कर रही है। किस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक जगह पर आग जलाई और वो फैमिली वहाँ पर बैठ गई है और क्या कर रही है, अपने हाथों को सेक रही है, जिसकी वजह से, आग की वजह से वो लोग क्या हो गए हैं, उनके हाथ और मुँह गर्म हो गए हैं, हीट अप हो गए हैं। अगर आप इस सोर्स ऑफ हीट जो हमने आग लगाई हुई है इससे बहुत दूर बैठेंगे, वी डू नॉट फील द हीट इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट। वी सिट अंडर अ ट्री टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। गर्मी के मौसम में जब अगर हमें गर्मी से बचना होता है तो हम क्या करते हैं, शेड ऑफ ट्री, मतलब दरख्त के शेड में चले जाते हैं और जिससे क्या होता है, हम गर्मी की तपिश से बच पाते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में अगर हमें हीट चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, आग जला के उसके करीब बैठ जाते हैं। और अगर हम, हमारी जो सोर्स ऑफ हीट है, जो फायर है, अगर हम उससे बहुत ज़्यादा दूर बैठेंगे तो हमें क्या होगा, हम वार्म नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपने हाथों को रब करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यू रब योर हैंड्स, देखिए नीचे एक पिक्चर है उसमें क्या कर रहे हैं, हैंड्स को रब कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमें हीट मिलेगी। हीट इज़ प्रोड्यूस व्हेन वी रब योर हैंड टुगेदर। अगर अपने दोनों हाथों को मिला के आप अपने रब करेंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, एक बच्चा है, वी वेयर वॉलन क्लॉथ्स टू कीप अस वार्म। सर्दी के मौसम में हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। और यहाँ पर यूजेस ऑफ हीट भी है, हीट की क्या क्या यूजेस हैं। हीट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक काइंड है, किस्म है। वी कैन डू वर्क, और ये किस तरह की वर्क करती है, इट कैन मेक अदर थिंग्स वर्क, फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग कोल इन अ स्टीम इंजन, हेल्प द इंजन टू मूव, क्या करती है, इंजन को चलने में हेल्प करती है। द हॉट आयरन हेल्प अस टू आयरन क्लॉथ्स, आयरन जो गर्म इस्त्री होती है वो क्या करते हैं, आयरन क्लॉथ मतलब अपने कपड़ों को आयरन करने के लिए, इस्त्री करने के लिए यूज़ की जाती है। देन एक और पिक्चर है आपके पास, पोलर बियर। आपने देखा होगा एनिमल्स की कुछ फर और हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी बॉडी गर्म रहती है। अब ये जो पोलर बियर है वो क्या होता है, बर्फ़ानी इलाके में रहता है, तो इसको अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए इसकी बॉडी पर हेयर्स मौजूद होते हैं। ये जो हेयर्स हैं इनको क्या करते हैं, वार्म करने में हेल्प करते हैं, मतलब इनको गर्म रखने में, ज़्यादा सर्दी के मौसम में गर्म रहने में इनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा हीट कुछ जो थिंग्स हैं उनमें से क्रॉस कर जाती है, जिन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल योर आप मेटल, जो आप घर में जो आपके बने हुए होते हैं, जो आपके पतीले होते हैं जिसमें खाना बनाती है मम्मा, वो किसके होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं, और इसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक या फिर वुडन बना हुआ होता है, तो ये ताकि हम उसको ईजीली कैरी कर सकें, उसे पकड़ सकें। और इसका जो जिसमें खाना कुक होता है, जो पॉट है, वो किस चीज़ का बना हुआ होगा, मेटल का। हीट कैन पास थ्रू सम सॉलिड सच एज मेटल्स, सिर्फ मेटल्स में से ही जो है वो हीट क्रॉस कर जाती है, और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ मेटल, कुकिंग पॉट किससे बने हुए होते हैं, मेटल से बने हुए होते हैं, इसीलिए वो ईजीली उसमें से हीट क्रॉस कर जाती है, पास हो जाती है और हमारा खाना बन जाता है, जिसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और सम सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें प्लास्टिक, वुड, रबर, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें से हीट क्रॉस नहीं होती, तो वो कौन से कंडक्टर कहलाते हैं, पुअर कंडक्टर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ हीट। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट क्लास।